प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं दो दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर बनती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बचाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीस कर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। 1 रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुवाई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसल वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है। खरा है, इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र।
5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्घ इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा। मेरा आप सभी किसान साथियों, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पेड़ पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर पहले स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे, खर्चा ज्यादा आता था, पैसा भी ज्यादा लगता था और इसमें खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं है अभी इसमें। ₹500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है, इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है। पर इस साल में सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप भी जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो, दिल खुश हो जाता है सर। जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारे भूमि उसमें एकदम मुलायम होगी। भूमि कुलत है, माँ है, दालों में राजमा है और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास पुदा और कावनी है, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगरा बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास दो वेरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफेद चावल है। इसकी खासियत यह है कि बिना सिंचाई के होता ही है। जी मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महन, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे, इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है, इसमें सेब, किन्नू, आड़ू और इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब एक साल में 1.5 से 2.5 लाख तक मतलब आ जाती है।